आज पूरे एक महीने के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और जब मैं पहले एक पार्क में जाके वीडियो बनाती थी, उसका एक रीज़न था, उसका एक क्या बल्कि दो रीज़न थे। पहला रीज़न ये था कि मेरा बेबी बहुत छोटा है और उसने मेरे घर की सारी दीवारें खराब कर रखी हैं। आप पीछे देख रहे होंगे कैसे कलर कर रखा दीवारों पे, और कहीं कहीं तो उसने इतने सारे कलर्स किए हुए हैं तो मुझे कई बार थोड़ा उकट भी लगता है। दूसरा रीज़न ये था पार्क में वीडियो बनाने का, तो मेरी किसी एक फ्रेंड ने मुझे कहा था कि तुम घर पे वीडियो मत बनाया करो, पार्क में बनाया करो, अच्छा व्यू आता है। बट इतना टाइम बीत गया, लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया है और नहीं भी हुआ, आप सबको पता है इस चीज़ के बारे में, है ना। बट मैंने सोचा कि कुछ टाइम तक मैं वीडियो नहीं बनाऊं। एक हफ्ता गया, 2 हफ्ते गए, करते करते पूरा 1 मंथ निकल चुका है। मदर्स डे पे मैंने वीडियो बनाई थी, वो भी मेरे घर में थी। वो भी मैंने देखा कि कोई एक ऐसी जगह मिल जाए मुझे जो थोड़ी सी क्लीन हो, जहाँ पे बच्चे ने अपनी कलाकारी ना की हो। बट अब तो मामला और भी घट गया है, सोसाइटी का, समाज का, इस देश का, और मेरे घर का भी। मेरे घर का इन द सारी दीवारें खराब हो गई हैं, तो मैंने सोचा अब 1 महीना बीत गया तो वीडियो आज यहीं बना लूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। खैर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपके विचार आपकी जिंदगी बनाते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरी लाइफ में जिनको मैं ये बात जब बोलती हूँ कि आपके विचार, आपकी थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ बनाती है, या फिर जो प्लान आप सोचते हो या आपकी लाइफ की जो भूमिका है उसको आगे कहीं एक दिशा देना चाहते हो, वो सब कुछ तय होता है आपकी थॉट प्रोसेस से, आपके विचारों से कि आप क्या सोच रहे हो। मैं यहाँ एक बात बताती हूँ। एक महिला थी, छोटी सी बात है, ध्यान से सुनिए। एक महिला थी, वो हमेशा अपने आप को गलत बोलती थी। मैं सुंदर नहीं हूँ, लोग मेरी इज्जत नहीं करते, लोग मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, और जबकि वो महिला बहुत सुंदर थी और लोग उसकी रिस्पेक्ट भी करते थे। बट उसने कुछ गलत विचार अपने मन में पाल रखे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ सिचुएशंस, कुछ परिस्थितियाँ उसकी लाइफ में ऐसी आई कि लोग वही कहें, उसके मुंह पे ही कहने लगे कि तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छा काम नहीं करती हो। और धीरे धीरे वो नफरत घृणा में सब कुछ बदलने लगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं होने लगी। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये बात कहने का मतलब ये है कि एक्चुअल में हम लोगों को, दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता होता कि वो एक्चुअल में क्या है, लेकिन वो अपने आप को ही, खुद को ही, अपनी अंतरात्मा को ही गलत मैसेज देते हैं। आप खुद कोई ऐसी भगवान नहीं हो जो आप अपने आप को जज करती हो। मैं ये भी कहती हूँ कि लोग आपको जज ना करें, लेकिन सबसे पहले आप अपने आप को जज मत करो। आप कौन हो? भगवान ने आपको इस धरती पर लेके आए हैं भगवान, तो भगवान ने आपके अंदर अच्छे तत्व डाले हैं, प्यार, एक दूसरे का आदर करना, सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, आप नैतिकता आपके अंदर डाली है, अच्छे संस्कार आपके मम्मी पापा ने आपको दिए हैं। तो ठीक है ना, लाइफ में कुछ, कई बार कुछ ऐसा भी हो जाता है, हमसे बुरे कर्म भी हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने अपने खुद के लिए घृणा वाले शब्द बोलने शुरू कर दें, या खुद के कामों पर इतनी नजर रखें कि खुद से ही ऐसा लगे कि हमने पता नहीं क्या कर दिया, खुद से ही घृणा होने लग जाए, खुद से ही नफरत होने लग जाए। हालांकि मैं हर वीडियो में ये बोलती हूँ, अपने कर्मों पर नजर रखो, आपने जो काम किए हैं वो आपके हाथ से कभी भी गलत काम ऐसे नहीं होने चाहिए कि किसी का दिल दुखाएं, किसी को ये दिखाएं कि वो कितना छोटा इंसान है। हमेशा अपने कामों पर नजर रखनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बोलना चाहती हूँ कि अपने कर्मों पर नजर रखने के साथ साथ अपना माइंड ही कीजिए, माइंड ही कीजिए मतलब अपने विचारों पर भी नजर रखिए,
कर्मों पर भी नजर रखिए, विचारों पर भी रखिए, कर्मों से ज्यादा विचारों पे नजर रखिए। अगर आप अपने आप को अफर्मेशन देंगे, अच्छी अफर्मेशन, तो जो अफर्मेशन होती है वो आपके विचार बनते हैं। आप विचार दोगे तो आपके अंदर एक तरंगे पैदा करेंगे, और जब वो तरंगे पैदा करेंगे तो वो आपके कार्य बन जाएंगे, कर्म बन जाएंगे। तो विचारों पर ज्यादा नजर रखनी चाहिए, विचार अच्छे तो कर्म भी अच्छे। बस इतना सिंपल सा आप ये टेक्निक सीख लीजिए, विचार अच्छे तो कर्म भी अच्छे, और विचार गंदे तो कर्म भी गंदे। मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो मैं ये कहती हूँ, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम गुड मॉम, आई एम गुड वाइफ, मैं अपने घर की बहुत केयर करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करती हूँ, मेरे बच्चे का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ, उसकी पढ़ाई के लिए मैं बहुत कुछ करती हूँ, उसको क्रिएटिव बना रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ, भले ही इन चीज़ों में मैं 10% कर रही हूँ या 20% कर रही हूँ, 80% नहीं भी कर रही, सिर्फ ये एग्जाम्पल है, जज मत कीजिएगा, क्योंकि लोगों को जज करने की बहुत गंदी आदत है। खैर इस बात को छोड़ते हुए मैं अपनी बात को पूरा करती हूँ। मान लो मैं इसमें से 20% कर रही हूँ, 80% नहीं कर रही, लेकिन वो शब्द मैंने बोले, जब मैंने बोले तो वो ऑटोमेटिकली जो विचार थे वो मेरे माइंड को गए। हमारा माइंड ऐसा है, हम इसको जो बोलेंगे ये बिल्कुल बच्चे की तरह काम करता है, इसको जो बोलेंगे ये वही सच मान के बैठ जाता है। सबसे अच्छी बात ये है, तो हमेशा ऐसे शब्द बोलें जो जिनको हमारा माइंड समझे और एक्सेप्ट कर ले। जब वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो वही आपके मुंह से निकलेगा, और आपके मुंह से जब निकलेगा तो वही ब्रह्मांड में जाएगी आपकी फ्रिक्वेंसी, और वही सच हो जाएगा। मानने वाली बात है, मानिए या ना मानिए, जो लोग इस बात को मानेंगे वो बहुत दूर तक जाएंगे, और जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे उनको मैं कुछ नहीं कह सकती। और रही इस बात की कि भी मैं बहुत टाइम के बाद जो ये वीडियो मैंने आज अपलोड की है, और हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत खुश हैं मेरी वीडियो ना अपलोड करने से, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो दुखी तो नहीं है बट वेट जरूर करते हैं कि सारिका की नेक्स्ट वीडियो क्या होगी। बट मैं जो लोग वेट कर रहे हैं उनको भी प्यार करूंगी, और जो लोग ये चाहते हैं कि वीडियो ना अपलोड हो उनको भी प्यार करूंगे, क्योंकि जो लोग नेगेटिव हैं उनकी वजह से मैं और आगे बढ़ रही हूँ, और हाँ जो लोग मुझे लेकर पॉजिटिव हैं उनकी वजह से मैं 2 गुना और आगे बढ़ रही हूँ। तो सभी का सम्मान करना चाहिए, और हाँ बदले की भावना तो मन में रखनी ही नहीं चाहिए, मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। और चाय बना रही थी तो सोची चलो वीडियो बना लेती हूँ, 1 महीना हो गया वीडियो नहीं बनाई, तो समझ नहीं आ रहा था बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, बट मन में एक विचार आ जाता है ना, और वो बहुत ही ज़्यादा कुलबुलाता सा रहता है, उछलता रहता है, कुछ क्या अजीब सा समझ में नहीं आ रहा, चलो वीडियो बनाओ, सारिका चलो कैमरा ऑन करो और वीडियो बनाओ। तो जैसे खड़ी थी वैसे ही आ गई, बाल आप देख ही रहे हैं। तो बस ये एक मेरी आज छोटी सी वीडियो है, और नेक्स्ट वीडियो एक अच्छे से टॉपिक के साथ आपके सामने आएगी, और बने रहिए मेरे साथ। लव यू ऑल।